किंग डिस्ट्रस्ट बहुत परेशान था उसकी जो, जो प्रजा थी उनको एक पार्ट पढ़ाने के लिए एक लेसन टीच करने के लिए उसने एक बड़ा सा स्टोन या बड़ा सा पत्थर एक रोड के बीचों बीच रख दिया मर्चेंट्स वेंट राउंड इट मर्चेंट्स वहां से गए ऑफिसर ड्राइविज

बॉक्स था जिस पर लिखा हुआ था कि उस व्यक्ति के लिए जो इस स्टोन को रिमूव करेगा इन साइड द बॉक्स हंड्रेड पीसेस ऑफ गोल्ड उस बॉक्स के अंदर हंड्रेड पीसेस के गोल्ड के थे, पे, के थे पे, ने ashamed, felt, किया, महसूस किया शर्मिंदगी महसूस की सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स आउटलाइन विल बी रिटर्न इन यूर फाइनल एग्जाम टू द आउटलाइन

घुड़सवारी कर रहा था उसने भी स्टोन को रिमूव करने की बोर्डर नहीं की यानी कि कोशिश नहीं की परेशानी नहीं उठाई वेंट अवे स्ट्रेट और वो भी सीधा वहां से चला गया एवरीबडी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर नॉट गेटिंग द स्टोन रिमूव सभी लोगों ने

और उस स्टोन को वहां से रिमूव करवाया अपने सामने ही अंडर द स्टोन दे फाउंड एन आयरन बॉक्स मार्क्ड फॉर द मैन हु रिमूव्स द स्टोन उस स्टोन के नीचे एक आयरन का बॉक्स रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि उस व्यक्ति के लिए है जो उस स्टोन को हटाएगा द किंग ओपन द आयरन बॉक्स एंड इनसाइड इट वर 100 पीसेस ऑफ गोल्ड किंग ने उसको खोला और उसमें दे, उसमें देखा कि उसमें हंड्रेड पीस के गोल्ड रखे होते हैं यानी कि वो जो चीजें थी वो किंग ने ही रखी थी He told his people that since all of them were lazy and did not bother to remove the stone, nobody deserved the reward. उस किंग ने लोगों को बताया कि ये उस व्यक्ति के लिए था जो इस पत्थर को रिमूव करता तुम तो में से किसी ने भी इस पत्थर को रिमूव करने की हटाने की कोशिश नहीं की तो ये रिवार्ड है किसी को नहीं मिलेगा तो इस तरह किंग ने उनको दिखाया कि वो कितने लेजी हैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते अगर वो करते इस काम को हटाते खुद ब खुद कोशिश करते तो वो इस इनाम के हकदार होते ही carried the box away and his people felt greatly ashamed फिर वो किंग uh, ने क्या किया उस बॉक्स को वहां से ले गया तो उसकी जो प्रजा थी उसके जो लोग थे उसने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस की so by this way king wanted to teach them a lesson like laziness never pays so dear student this story you have to write in your fair notebook then you have to learn after that you have to do practice in your practice notebook right so now let's come on the grammar chapter you need to open the chapter number 18 perfect tenses this tense we are going to understand today so come on do fast open chapter number 18 perfect tenses present perfect tense i have taken my lunch joy has bought new books the teachers have gone home the verbs in these sentences are in present perfect tense so dear students as we all know that by the help of verbs we recognize the tense of any sentence किसी भी सेंटेंस का अगर हमें टेंस रिकॉग्नाइज करना है पहचानना है तो उनकी वर्ब से पहचानते हैं so by these verbs we have come to know that this is present perfect tense means by the has or haven't with the uh, third form we can say that th this is a present perfect tense right present perfect tense form if sentence is affirmative we need to put has or have then past participle form the verb like i have played he has played if our sentence is affirmative agar hamara sentence affirmative hai इसमें कोई नहीं नहीं होता है ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जस्ट एक स्टेटमेंट दी जाती है तो उसमें हमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है एंड डर स्टूडेंट्स वेयर वी शुड पुट द हैज एंड वेयर वी शुड पुट द है आई थिंक सभी को पता है कि हैज कहा यूज करना होता है और हैव कहा यूज करना होता है वेन आर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर वी शुड यूज हैज

कि he, she, it or name को के, कोई एक नेम को छोड़ के तो उनके साथ हम है नोट आफ्टर दर हैोगेटिव सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू पुट has then subject then third form of the verb if sentence is interrogative but that start from wh word so first of all we have to put the wh word like how what where so these type of words we have to put in the beginning of the sentence then after that we have to use uh, has or have then subject then third form of the verb right so this is the basic formation present perfect tense uses it expresses actions which have just ended

एक्शन के साथ ये वाले वर्ड्स ज्यादातर हम यूज करते हैं जैसे कि जस्ट ऑलरेडी रिसेंटली जिससे हमें पता लगता है कि जो एक्शन है अभी अभी एंड हुआ है अभी अभी फिनिश हुआ है इट एक्सप्रेस एक्शन पास बट द रिजल्ट ऑफ विच वी कैन सी योर फील इन द प्रेजेंट इस तरह के एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट यूज करते हैं जो अब से पहले काफी देर पहले हुए हों परंतु उसका जो रिजल्ट है उसका जो इफेक्ट uh, है अभी भी प्रेजेंट हो एग्जिस्ट करता हो प्रेजेंट में तो उन एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्टेंस यूज करते हैं जैसे My uncle has got an MA degree in mathematics. Got it long back, but the result is still there. हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो मेरे अंकल थे उन्होंने एम MA, मैथमेटिक्स में एम की डिग्री प्राप्त की थी अभी नहीं प्राप्त की थी पास्ट में प्राप्त की थी अब से पहले

हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं आई ज्वाइंट दिस स्कूल इन द एप्रिल राइट एक्सरसाइज वन फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स सो ये वर्ब्स दी गई हैं ब्रैकेट्स में इनको हमने यूज करने है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करने फर्स्ट आई टेल यू देन रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस और एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योर I note here from Arnav in a long time. We can say I have not heard. I have not heard. We need to use either has or have, then after that, third form of the verb. Right? Come on, the second exercise. Rewrite this letter using the present perfect tense of the verbs given in the brackets. Joe verbs present. ब्रैकेट्स में दी गई हैं उनको यूज करके आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करना है लाइक आई जस्ट रिसीव योर लेटर सो जस्ट रिसीव इज इन द ब्रैकेट सो वी हैव टू यूज दीज वर्ब्स एंड वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाइक आई हैव जस्ट रिसीव्ड आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर राइट सो इन दिस वे यू नीड टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद द वर्ब्स व्हिच आर इन द ब्रैकेट्स कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 3

And after that third form of the verb this year our school has shown excellent result in the class 12th board examination in this way you need to do this exercise let's come on the past perfect tense i have taken my lunch joy had bought new books the teachers had gone home the verbs in these sentences are in the past perfect tense so again i, I tell you with the help of verbs, we recognize the tense of any sentence. Verbs are had plus third form. So if somewhere is written had plus third form, so we need to understand that that is a past perfect tense, right? So these verbs are of the past perfect tense. Past perfect tense form. If sentence is affirmative, we should use head plus past participle of the verb. If sentence is negative, we need to use note after the helping verb. Means after the head If sentence is interrogative, first of all we have to put head then subject, then third form the verb. If sentence interrogative, but that starts from the wh-word. So first of all we have to put the wh-word, then head then subject, then if that note is there, you need we can you can mention the note, right? Then third form, short form head note is shortened as hadn't. So hadn't is short form of the head note right past perfect tense use the past perfect tense suggests an earlier past when we are already talking about a past actions we will have to use the past perfect tense to refer to an action that took place even earlier when i reached Mumbai, uh, mohit's house he had left for school so dear students here we have to understand when we talk about the past of past when we have to talk about the past or past we should use the past perfect tense but when we talk about the past we need, we should use simple past right okay. जब हम कोई past की बात करते हैं past में कोई action हुआ उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं परंतु जब हम ये शो करें कि पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले हुआ जो पास्ट में हुआ था तो जब दो एक्शन पास्ट में हो तो जो हम एक्शन जो एक्शन पहले हो उसके लिए हमें पास्ट जैसे कि मैं स्कूल तो वो स्कूल चला गया था स्कूल के लिए निकल गया था तो कब निकला था जब मैं मोहित के घर पे पहुंचा था तो मैं ये बता रहा हूं कि दो काम पास्ट में हुए मोहित के घर पे पहुंचने का काम और उसका वहां से अपने स्कूल के लिए जाने का काम तो दो एक्शन हुए वहां पे तो मैं ये कह रहा हूँ जब मोहित मैं, जब मैं के घर पे पहुंचा कि मेरा पहुंचना जो पास्ट में हुआ परंतु उससे पहले वो वहां से स्कूल के लिए जा चुका था लेफ्ट फॉर स्कूल तो उसका स्कूल में जाने का काम उससे पहले हुआ जब दो एक्शन पास्ट में हो जो एक्शन पास्ट और तो पास्ट को डिनोट करता हो उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना होता है और दूसरे के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना होता है राइट

तो मेरा जो पहुंचना है वो पास्ट को डिनोट कर रहा है और ट्रेन का ट्रेन तो हाँ का पहुंचना था वो मेरे पहुंचने से ही पहले हो गया था राइट तो दो पास्ट में हो जो एक्शन पास्ट, पास्ट को डिनोट करते हैं उसके लिए हमें पास यूज करना होता है जो एक्शन पास्ट को डिनोट करता है उसके लिए हमें सिंपल पास्ट यूज करना होता है राइट

Had gone to sleep. तो मैं दो एक्शन बता रहा हूं कि वहां पहुंचना और सोने के लिए जाना दो एक्शन है वहां पे तो मेरे पहुंचने से पहले सभी सो चुके थे तो जो काम पहले हुआ उसके लिए हमने पास यूज करना है यानी कि सभी जा चुके थे सोने के लिए तो ये पास तो पास्ट है और मेरा आना ये क्या है ये पास्ट है तो मैं क्या लिखूंगा वेन आई रीच होम एवरीबडी हैड गोन टू स्लीपाइट So in this way, you need to do this exercise. Let's talk about the future perfect tense. I shall will have taken my lunch. Joy will have bought new books, and the teachers will have gone. So, dear students, by the help of will or shall plus have plus start from the verb, we recognize that we are talking about the future perfect tense, right? Future perfect uh, perfect tense if sentence is affirmative, so for, first of all, we need to put will or shall then have then past participle form of the verb which is also called third form of the verb. If sentence is negative we need to put note after the will or shall. If sentence is interrogative so first of all we have to put will or shall right same formation. Let's talk about the use of future perfect tense it expresses an action which will happen completed which will

तो उसके लिए हम फ्यूचर यूज करते हैं like 9, 9 9 बजे तक मैं यानी कि भेज चुका right? तो आने वाले टाइम में जब कोई काम पूरा कर चुके होंगे किसी पर्टिकुलर टाइम तक तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्टेंस यूज करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर इन द ब्रैकेट सो you आर to इन this एक्सरसाइज with the help of future perfect tense like you can say that he will have finished the work when we reach his house right so you need to you need to use just future perfect tense will or shall then have then third form the verb it's very simple come on the exercise number 7 speak out these sentences in negative form and in interrogative form so, you need to write these sentences. You need to do practice, oral practice, and written practice of this exercise. First of all, you need to say these sentences in negative. Then you have to say in, in, in interrogative form, like Sanjana has lost the key to her room. Sanjana has not lost the key to her room. Again, you need to say this sentence Has Sanjana lost the key to her room? So, yes, so, दिए गए हैं इनको नेगेटिव फॉर्म में बनाना है और इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाना है लिटिल अर्लियर आस्किंग फॉर परमिशन आई कैन लर्न दिस पोएम बाई हार्ट इन टेन मिनट्स यू शुड टेक यूर डिनर बाय नाइन पी एम द प्रिंसिपल मे कम टू द ऑफिस in the फ्टरनून दर्ब्स प्रिंटेड इन बो लेटर्स आर मॉडल ऑफ ज्वेलरी एंड सिंपली मॉडल्स जो वर्ब्स बोले गए हैं उनको हम बोलते हैं मोडल्स मॉडल्स क्या करते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मूड्स को शो करते हैं जैसे ये परमिशन लेने के लिए एबिलिटी लेने के लिए सजेशन के लिए पॉसिबिलिटी के लिए अलग अलग सेंस के लिए हमको इनको यूज करते हैं ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं इनको हम बोलते हैं मॉडल ऑफ ज्वेलरीज या बोलते हैं मॉडल्स Right. Models are a special group of auxiliary verbs used to express certain meanings like permission, ability, suggestion, and possibility, etc. The most important models are can, may, will, shall, must, could, might, would, should, or to. So these are the models. Models are not complete verbs. They can they can't stand alone. They must be followed by a main verb. Models have only one form which they never change. मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमेशा हमें मेन वर्ब की फॉर्म लगानी होती है बिना मेन वर्ब के मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किए जाते और हमेशा वर्ब की रूट फॉर्म लगानी होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद राइट right? और इनकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं होती यानी कि मॉडल की कोई और फॉर्म नहीं होती जैसे भी होती है, उसकी भी होती है तो इनकी कोई और फॉर्म नहीं होती राइट right? इनकी एक ही फॉर्म होती है और इनके साथ हमेशा वर्फ की रूट फॉर्म आती है राइट यूजेस ऑफ मॉडल्स आस्किंग फॉर परमिशन मे कैन कुड जब हमें किसी से परमिशन लेनी हो किसी काम को करने की आज्ञा लेनी हो तो हम क्या करते हैं तीन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें से कोई एक यूज करते हैं जो मॉडल कौन कौन सी है may, can, तो लेने के लिए, किसी काम को करने की आज्ञा लेने के लिए हमें मे कैन और कुड में से कोई एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है जैसे मे आई कम इन मैम फॉर्मल जब हमें किसी से फॉर्मल uh, परमिशन लेनी हो यानी कि हमें फॉर्मेलिटी करनी हो यानी कि ऐसे पर्सन से परमिशन लेनी हो के साथ हमारे जो रिलेशन होते हैं वो फॉर्मल नहीं वो फॉर्मल होते हैं इनफॉर्मल नहीं होते फ्रेंडली नहीं होते जैसे हमारे स्कूल टीचर्स होते हैं एक बॉस का और एक उसके एम्प्लॉय uh, का जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल रिलेशन होता है तो जब हमें फॉर्मल परमिशन लेनी होती है तो हम क्या करते हैं मे को यूज करते हैं मे आई कम इन मैम मे आई कम इन सर कैन आई यूज योर फॉर्म इनफॉर्मल फ्रेंडली जब हमें इनफॉर्मल परमिशन लेनी हो यानी कि ऐसे पर, पर्सन से परमिशन लेनी हो जिसके साथ आपका जो रिलेशन है वो फ्रेंडली है जैसे आपके फ्रेंड्स हैं आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं राइट जो आपको उनसे कोई चीज लेनी है तो हमें वहां फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती वो जो परमिशन होती है वो इनफॉर्मल होती है तो वहां पे आप कैन यूज कर सकते हो आप बोल सकते हो कैन आई यूज योर फोन कुड आई लीव नाउ वेरी पोलाइट जब हमें अपनी परमिशन में कोई पोलाइटनेस शो करनी हो रिक्वेस्ट को शो करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कुड को यूज करते हैं जैसे मुझे किसी से पेन लेना है तो मैं बोल सकता हूँ कुड आई लीव सॉरी कुड आई टेक यूर पेन उसको रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ पोलाइटनेस के साथ कह रहा हूँ विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ तो जब हमें फॉर्मल परमिशन लेनी हो मे जब हमें इनफॉर्मल परमिशन लेनी हो कैन जब हमें अपनी परमिशन में पोलाइटनेस लानी हो चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो तो हम कुड यूज कर सकते हैं राइट right? गिविंग परमिशन कैन एंड मे जब हमें परमिशन देनी हो तो हम कैन और मे को यूज कर सकते हैं मे के साथ हम फॉर्मल परमिशन जैसे एबिलिटी एबिलिटी मीन क्षमता ताकत जब हमें ताकत या क्षमता को शो करना होता है तो उसके लिए हम कैन और कुड को यूज कर सकते हैं वेन वी हैव टू शो दबिलिटी इन द प्रेजेंट वी शुड यूज कैन एंड वी है एबिलिटी इन द पास वी शुड यूज कुड जब हमें प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करना हो क्षमता को शो करना हो तो हम कैन यूज करते हैं जब हम पास्ट की एबिलिटी को शो करते हैं तो कुड यूज करते हैं जैसे कि मोहन कैन कीप विकेट्स मोहन विकेट्स को कीप uh, कर सकता है रख सकता है सोनाली कुड रन फास्टर देन द अदर चिल्ड्रन जो सोनाली है बाकी बच्चों से तेज भाग सकती थी आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट एबिलिटी सो आई हैव यूज्ड देयर कुड सजेशन एडवाइस शुड ओ टू जब हमें किसी को एडवाइस करनी हो सजेशन देना हो सलाह देनी हो तो हम क्या हैं? Should करते हैं शुड या सकते हो जब किसी को एडवाइस देनी हो सजेशन देना शुड और ओ टू पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना मे माइट कुट जब हमें किसी बात की पॉसिबिलिटी को शो करना हो संभावना को शो करना हो तो उसके लिए हम मे माइट या कुड को यूज करते हैं जैसे कि अनन्या मे बी इन हर रूम हम एक संभावना की बात करें कि जो अनन्या है शायद अपने रूम में होगी जब किसी बात की गुड पॉसिबिलिटी हो चांसेस अच्छे हों किसी बात के होने के तो हम मे को यूज करते हैं आई माइट कम टू यूर हाउस इन द इवनिंग अ वीक पॉसिबिलिटी जब किसी बात की संभावना बहुत ही कम हो तो हम माइट यूज करते हैं आई वंडर

बहुत ही कम होती है लगभग ना के बराबर तो हम क्या यूज करते हैं कुड यूज करते हैं राइट? Right? किसी को, आ, किसी के लिए विश करने के लिए किसी के लिए कुछ कामना करने के लिए इच्छा करने के लिए हम विश यानी कि मे को यूज करते हैं जैसे मे यू बी ब्लेस्ड बाय द पीस ऑफ प्रोस्पेरिटी मे सक्सेस बी योर्स भगवान करे तुम्हारी तुम्हारी सक्सेस हो भगवान करे तुम्हें शांति मिले प्रोस्पेरिटी मिले समृद्धि मिले तो जब किसी को आशीर्वाद देना हो कुछ विश करना हो तो मे को यूज करते हैं लाइक मे गोड ब्लेस यू मे गोड हेल्प यू यू अपियर फॉर द ऑडिशन यू मस्ट रिटर्न दीज लाइब्रेरी बुक्स विद इन अ वीक सो जब हमें नेसेस्टी को शो करना हो जब हमें ये शो करना हो किसी काम को करने की बहुत ज्यादा जरूरत है वो काम हमें अवश्य ही करना चाहिए उस काम करने की नेसेसिटी हो जरूरत हो तो हमें मस्ट यूज करना चाहिए जैसे मैं कहता हूं कि तुम्हें अवश्य ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए यू मस्ट अटेंड द ऑनलाइन क्लास क्लासेस राइट सो नेसेसिटी के लिए हम मस्ट यूज करते हैं कंप्लीट द एंड यूर वर्ब्स फ्रॉम द दोस गिवन इन द बॉक्स

थर्ड कम्प्लीट देंडेंस किसी को सजेशन देना हो एडवाइस देनी हो तो शुड यूज करते हैं जब नहीं देना हो तो शुड के साथ नोट लगाए देते हैं यानी कि नेगेटिव जब एडवाइस देनी हो तो नोट लगाए देते हैं फोर्थ कंप्लीट द फ्लोइंग यूजिंग मस्ट एंड मस्ट नोट जब कोई काम अवश्य करना चाहिए तो मस्ट अवश्य नहीं करना चाहिए तो मस्ट नोट

वर्ब दी गई है वर्ब फिल गर, फिल करनी हम तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए हमें पता है हम क्या यूज करते हैं कैन यूज करते हैं यू कैन कीप दिज बुक्स राइट सो इन दिस वे यू नीड टू डू दिस एक्सरसाइज नाउ एवरीथिंग इज डन सो डर स्टूडेंट्स नाउ इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी